हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय निकहत। आज मैं आपके सामने बना रही हूँ बाजरे की रोटी और ये बहुत ही टेस्टी है और ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने इसे सर्व किया है लहसुन की चटनी के साथ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया है, ये देखो आधा से थोड़ा ज़्यादा कप मैंने चावल का आटा लिया है और आधा कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है। मैंने मेथी ले ली है 1 कटोरी, इसे मैंने अच्छे से तोड़ लिया है इसकी लीव्स को। अब देखिए मैंने थोड़ा सा हरी धनिया लिया है, इसे बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची ली थी मैंने, उसे मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से पूरा अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमारी भाजी नमक आटा बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, ये रोटी सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम थोड़ा सा गर्म पानी ले लेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे उसे ताकि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, इसे भी हम बहुत अच्छे से मिलाएंगे। गेहूँ का आटा डालने से रोटी अच्छी बनती है, टूटती नहीं है। तो देखिए इसे हम हल्का हल्का पानी डालकर, गर्म पानी लिया था हल्का सा, और इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी। इसे हमें अच्छे अच्छे कसे हुए हाथों से इसे कसना है आटे को। देखिए ये हमारा डो तैयार हो गया है, इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। अब इसमें हल्का सा हम पानी लगा देंगे ऊपर और 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। दस मिनट के बाद हम इसे एक छोटी सी लोई बना लेते हैं। हम लोई बना लेंगे छोटी सी, आज मैं इसे सेकूंगी चूल्हे में। ठीक है, गैस में तो हम बनाते ही, लेकिन गैस में तो मज़ा है, लेकिन जो मज़ा चूल्हे में वो इसमें नहीं है। देखिए मैंने काफ़ी पतली रोटी बेल ली है। मैंने ये देखो चूल्हा बनाया है, मैंने ईंटों से बनाया है ये। मैंने 3 साइड ईंट रखा है और मैंने बीच में गैप रख के लकड़ियों को जलाया है। और देखिए मैंने तवा अच्छे गर्म होने दिया है, इसमें आपकी रोटी इतनी अच्छी बनेगी, जो खाने के शौकीन होते हैं ना कुछ भी कर लेते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से हम इसे सेक लेंगे, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेकेंगे और लास्ट में हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप इसे टमाटर चटनी के साथ सर्व कीजिए, लहसुन की चटनी के साथ अचार, आपको जो पसंद हो। ठीक है, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छी बनी है हमारी रोटी, दोनों तरफ से कितनी अच्छी सिखाई है। अब इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है, बहुत ही लजीज बनी है। इस तरह से रोटी आप एक बार नहीं बार बार बना के खाएंगे।